नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। इन दिनों नवरात्र चल रहा है, हर जगह दुर्गा की आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। ऐसे में दुर्गा के साथ असुरों की बात होना लाजमी है। असुर के बारे में बचपन से ही दिमाग में कुछ ऐसे खाका फिट कर दिए गए हैं कि उनका नाम लेते ही एक अलग तरह की कल्पना बनती है। वो बिल्कुल मायावी होते थे, यानी जितना जी चाहे उतना बड़ा हो सकते थे, छोटा हो सकते थे, 100 कोस बड़ा हो सकते थे, मक्खी जैसा छोटा हो सकते थे, जैसे कि हॉलीवुड की फिल्म में एंटमैन एक सुपर हीरो है, उस तरह से। वो मुंह से पानी बरसाते थे असुर, आग बरसाते थे, कभी बहुत शक्तिशाली होते थे, आदमी को वो खा जाते थे, आदमी उनका भोजन होता था। इंसान से वो बिल्कुल एक अलग उनकी प्रजाति थी, इंसान वो नहीं थे, असुर इंसान नहीं थे। और इंसान उन असुरों से बचने के लिए बार बार देवताओं से गुहार लगाते थे। महिषासुर, रावण, कंस, बानासुर, नरकासुर, ये सब ढेर सारे उदाहरण, ढेर सारी कहानियां असुरों के बारे में बताई गई हैं। और यह भी कि अंत में इस कलयुग के आने से पहले देवताओं और भीम जैसे कई वीरों ने उनका, मतलब असुरों का समूल नाश कर दिया, बिल्कुल इस पृथ्वी को असुर विहीन कर दिया। लेकिन क्या वाकई में हकीकत भी यही है? सचमुच का अगर असुर आप देखना चाहें तो आज भी देख सकते हैं, जिंदा। और डरिए मत, वे असुर ही हैं और बिल्कुल इंसान हैं, हमारी और आपकी तरह। किसी पाताल लोक में भी जाने की जरूरत नहीं, अपने अगल बगल में भी मौजूद हैं। झारखंड में गुमला में ही रहते हैं असुर। उनकी अपनी जीवन शैली या कह लीजिए कि सभ्यता है। वे महिषासुर को, जिसकी अभी पूजा के दौरान मूर्तियों में दिखाया जाता है कि देवी दुर्गा एक असुर की हत्या कर रही है भाला मारकर, जो भैंस पर बैठा हुआ है, भैंस के पेट से निकल रहा है, उसी महिषासुर को ये असुर अपना पूर्वज मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं और महिषासुर की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, महिषासुर के मारे जाने का शोक भी मनाते हैं। हाँ, ये असुर समुदाय के लोग हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर पूर्वांचल के राज्यों में या दक्षिण तक, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक और पूर्वांचल के राज्यों में और अधिक फैले हुए हैं। कर्नाटक में भी इनकी शाखाएं हैं। सुषमा असुर नाम की एक कवयित्री काफी फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। हालांकि असुर जनजाति में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन सुषमा ने काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई की, कविताएं लिखने लगी और उनकी कविताएं काफी प्रसिद्ध हुई। ये सुषमा असुर उसी असुर समुदाय से आती हैं। सुषमा महिषासुर का मारा जाना आर्य अनार्य युद्ध मानती हैं। सुषमा का मानना है कि आर्यों ने अपनी साम्राज्यवादी सोच के तहत यहां के मूल निवासियों पर अपना शासन जमाया। सुषमा बताती हैं कि उनके समुदाय में दीपावली के दिन भैंसासुर यानी महिषासुर की पूजा की जाती है। वह कहती हैं कि जब हिंदू समुदाय नवरात्रि मनाता है, उस समय असुर समुदाय के लोग महिषासुर यानी असुर राजा की मृत्यु का शोक मनाते हैं। असुर समुदाय के लोग एक खास काम में गजब के विशेषज्ञ होते हैं। वो काम है लोहा गलाने का। वे सदियों से लोहा गलाने का काम करते आ रहे हैं। आज भी उस इलाके में, गुमला के आसपास, झारखंड में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। ये लोहा गलाने के काम में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लोहार वाला ही काम कर रहे हैं। लोहार लोहे का औजार बनाते हैं, न कि अयस्क से लोहा बनाते हैं। लोहा तो नहीं, वो तैयार नहीं करते। लोहार सिर्फ लोहे का हथियार या कोई औजार बनाते हैं, जबकि असुर समुदाय के लोग अयस्क से लोहा तैयार करने का काम करते हैं। यह भी कई इतिहासकारों का मानना है कि असुर समुदाय ने ही लोहा गलाने का आविष्कार किया था। असुर समुदाय पर काम कर चुके पत्रकार नवल किशोर कुमार उनकी जीवन शैली के बारे में कई जानकारियां देते हैं। वो बताते हैं कि असुर मांसाहार करते हैं। उनके भोजन में साग सब्जी और अनाज के अलावा मुर्गियां, बकरे और किसी खास आयोजन में गाय या अन्य बड़े जानवर भी भोजन के रूप में शामिल होते हैं। वे पशुपालक भी हैं। असुर बड़ी संख्या में गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियां पालते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि असुर लोग गाय का दूध नहीं पीते। इन सब बातों को जानना अगर है, परखना है, तो किसी किताब की जरूरत नहीं है। हालांकि कई किताबें हैं, खास करके महिषासुर
पर फॉरवर्ड प्रेस के संपादक प्रमोद रंजन जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। हमने कई तथ्य उस किताब से ही लिए हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल असुरों से मिलना चाहते हैं तो झारखंड के गुमला में चले जाइए, वहाँ बड़ी आबादी है असुरों की, वो वहाँ काम करते हैं, रहते हैं, अपने जीवन से अपनी जीवन शैली के अनुसार, अपनी सभ्यता के अनुसार आप वहाँ जा करके उनसे मिल सकते हैं। वे बेहद दरिद्रता में जीते हैं, वे अनुसूचित जनजाति में शुमार हैं। गुमला में तो असुर समुदाय के लोग हैं ही, देश के अन्य हिस्सों में उनके फैले होने का भी प्रमाण है। देश में कई जगह पर अब भी महिषासुर की मूर्तियां और मंदिर बने हुए हैं। मैसूर में महिषासुर की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह भी माना जाता है कि महिषासुर की राजधानी मैसूर ही थी। मैसूर नाम के पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि मैसूर महिषासुर शब्द से बना है। असुरों के बारे में हम और भी कई जानकारियां अगले वीडियो में देने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।